दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। सरकार बदलते ही भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है रीवा में। रीवा जनपद की कुर्सी नहीं बचा पाए भाजपा। जी हां, रीवा जनपद पर निर्विरोध सिद्धार्थ शुक्ला निर्वाचित हुए हैं। प्रदेश में सरकार बदलते ही भाजपा को झटका मिलना शुरू हो गया है। जनपद पंचायत रीवा के अध्यक्ष रहे केपी त्रिपाठी के सिमरिया से विधायक चुने जाने के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया था, जिसके चलते सोमवार को जनपद कार्यालय में चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई, जहां पर भाजपा की ओर से भी अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी उतारने की तैयारी की गई थी। 25 सदस्यों वाले इस जनपद में अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद 24 सदस्य बचे थे। भाजपा समर्थित लाल मणि पांडे नामांकन भरना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद 11 मत ही हो रहे थे, जिसके चलते उनकी हार तय मानी जा रही थी। करीब 2 घंटे तक सदस्यों के साथ उन्होंने राय सुमारी की, लेकिन जब जीत की स्थिति समझ में नहीं आई तो उन्होंने नामांकन भरने से इनकार कर दिया। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला ने अकेले नामांकन भरा और निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। एक साल का कार्यकाल है ग्राम पंचायतों के विकास के लिए, हमको ये 1 साल दिया गया है, इसमें जितना भर ग्राम संबंधी विकास के कार्य होंगे सब करेंगे, युवाओं की समस्याओं को दूर करेंगे। कांग्रेस के वचन पत्र में, कांग्रेस के वचन पत्र में जो भी होगा पूरा उल्लेख। सुंदर भैया जिंदाबाद।